पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, मिशन लाइफ का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा पर्यावरण को बचाने वाली जीवन शैली पर होना चाहिए जोर। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। केवड़िया में मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में हुए शामिल, मॉरिशस, गुयाना, नेपाल के प्रधानमंत्री भी रहे मौजूद। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुंटारेस से मुलाकात, दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता। व्यारा को पीएम देंगे करीब 2000 करोड़ की सौगात, सतपुरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सड़क सुधारने के बड़े प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। कल पीएम केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे, पहले केदारनाथ के करेंगे दर्शन, कल ही बद्रीनाथ के लिए होंगे रवाना। केदारनाथ से पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां, पुनर्निर्माण कार्यों का लेंगे जायजा। कल सुबह 11:30 बजे बद्रीनाथ पहुंचेंगे पीएम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है, पीएम मोदी कल बद्रीनाथ में करेंगे विश्राम। इस बार खास होगा अयोध्या का दिवाली का पर्व, 23 अक्टूबर को छोटी दिवाली के मौके पर पीएम मोदी जाएंगे अयोध्या। राम की पैड़ी पर 15 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारियां शुरू, जायजा लेने कल पहुंचे थे सीएम योगी। सीएम योगी ने दीपोत्सव को भव्य बनाने के दिए निर्देश, पूरे शहर में सजावट का काम जारी। रामलीला के मंचन को 7 मंचों में बांटा गया, विदेशी कलाकार भी कर रहे हैं शिरकत, कुल 12 लेजर शो की है तैयारी। 11 की जंग, इस बार होंगी 14 झांकियां। 23 को पीएम रामलला के करेंगे दर्शन, श्री राम के राज अभिषेक के साक्षी बनेंगे पीएम, सरयू के नए घाट की करेंगे आरती। अमित शाह आज दिल्ली में कूड़े से बिजली के प्लांट का करेंगे उद्घाटन। इस प्लांट से हर दिन 200 मीट्रिक टन कूड़े का निपटारा, 25 मेगावाट बिजली का उत्पादन। उद्घाटन समारोह में दिल्ली के एलजी रहेंगे मौजूद, स्थानीय आप विधायक को नहीं दिया गया है न्योता। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर आपका प्रदर्शन, कूड़े को लेकर नाराजगी। दुर्गेश पाठक के साथ आपके कार्यकर्ता रहे मौजूद, अमित शाह को लैंडफिल साइट देखने की चुनौती। आरएसएस ने फिर उठाया जनसंख्या विस्फोट और असंतुलन का मामला, जनसंख्या नीति बनाने की मांग। धर्मांतरण को लेकर आरएसएस को चिंता, सर कार्यवाह। दत्तात्रेय हौस बोले बोले, बांग्लादेशी घुसपैठियों से बढ़ रहा है असंतुलन। इस असंतुलन के कारण देश के बाहर अन्य देशों में उस देश के विभाजित करने के नौबत भी आई। आरएसएस का दावा, घट रही है हिंदुओं की प्रजनन दर, 10 से 20 साल के भीतर दिक्कत आएगी सामने। जनसंख्या असंतुलन को लेकर मोहन भागवत भी जता चुके हैं चिंता, जोर पकड़ रही है जनसंख्या नीति की मांग। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दत्तात्रेय होसबोले के बयान से जताई सहमति, कहा आज की जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण। आरएसएस के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की प्रतिक्रिया, चुनाव से पहले की है तैयारी। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा इस तरीके से बयान गैर जिम्मेदाराना है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर बवाल, गौ हत्या की पढ़ाई का आरोप। दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग में केटरिंग एंड होटल मैनेजमेंट का कोर्स दूसरे सेमेस्टर में पूछा गया बीफ से जुड़ा सवाल। भारत जोड़ो यात्रा का 43वां दिन, बानावासी और हलाहरवी से गुजरेगी राहुल की यात्रा। यात्रा में शामिल हुई एक छोटी सी बच्ची, राहुल ने थमाया झंडा, किया दुलार। रास्ते में राहुल गांधी बुजुर्ग दंपत्ति के घर पहुंचे, खुद रिकॉर्ड किया संदेश। हिमाचल चुनाव के लिए प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी, 8 जनसभाएं और 4 रोड शो। प्रियंका गांधी की मंडी और कुल्लू में 31 अक्टूबर को रैली, राहुल गांधी भी हो सकते हैं रैली में शामिल। वाराणसी में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, पकड़ा गया आईएस का सक्रिय सदस्य। वाराणसी के मकबूल आलम रोड का रहने वाला है बासित कलाम सिद्दीकी, आपत्तिजनक सामान जब्त। बासित कलाम की दी गई थी युवाओं को भर्ती करने की जिम्मेदारी, पिता से भी रात भर हुई पूछताछ। अफगानिस्तान में अपने आकाओं के इशारे पर विस्फोटक ब्लैक पाउडर बनाने की जुटा था बासित, मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव जब्त। वॉइस ऑफ हिंद मॉड्यूल के खुलासे और कासिम खुरासानी सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ऑनलाइन पत्रकार चलाने का आरोप, नाम था खुरासान की आवाज। पाकिस्तानी आतंकी हाफिज तलहा सईद के खिलाफ था प्रस्ताव, चीन ने किया वीटो।
लश्कर ए तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद का बेटा है हाफिज तलहा, मुंबई आतंकी हमले का मुख्य आरोपी है हाफिज सईद। जेल में बंद अतीक अहमद की लखनऊ कोर्ट में पेशी, साबरमती की जेल में है बंद। अतीक अहमद के खिलाफ रंगदारी वसूल का मामला, देवरिया जेल में की थी मारपीट। रेप केस से दोषी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने यूपी से ऑनलाइन सत्संग किया, पेरोल पर हैं बाहर। करनाल में ऑनलाइन सत्संग से जुड़े कई बड़े नेता, बीजेपी जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा मौजूद, मेयर रेणु बाला गुप्ता, सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी सत्संग में जुटे, जिला पंचायत चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार भी आए। आशीर्वाद बना रहे जी बेटा, और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है। डिप्टी मेयर ने कहा जेल मंत्री और न्यायालय को पेरोल देने का हक, इसे चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं है। एक पीआईएल से बढ़ सकती है ठाकरे परिवार की दिक्कत, पूछा गया कमाई का जरिया, संपत्ति की डिटेल बताने की पीआईएल की मांग। गौरी भिड़े ने दायर किया याचिका, कहा ठाकरे परिवार ने कभी नहीं बताया अपना पेशा, फिर भी कैसे बनी है इतनी संपत्ति। याचिका में दावा मुंबई और रायगढ़ जैसे शहरों में ठाकरे परिवार की अपार संपत्ति, कोरोना के दौरान मुनाफे में रही ठाकरे परिवार की कंपनी। शाहरुख के बेटे आर्यन के मामले में खुलासा, वानखेड़े में जानबूझकर किया गया टारगेट, एक महीने की जेल काटी थी आर्यन ने। आर्यन के पास नहीं मिला था ड्रग्स, दोस्त लाया था ड्रग्स, चैट के आधार पर कसा गया था शिकंजा। बेंगलुरु में भारी बारिश, सड़कों और गलियों में भरा पानी, तेज रफ्तार पानी में बहने लगे बाइक और स्कूटर, लोगों का संभलना हुआ मुश्किल। सड़क किनारे दुकानों में भरा पानी, लोगों अपना सामान बचाने में आई दिक्कत। बारिश के बीच मेट्रो के साथ दीवार गिरी, कई गाड़ियों पर गिरा मलबा। कर्नाटक के कलबुर्गी में तेज बारिश, कई इलाकों में जल जमा। चमोली में ऊंचाई पर मौसम ने बदली करवट, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी शुरू, बर्फबारी के साथ रुक रुक कर हो रही है बरसात, जबरदस्त ठंड। 10 अक्टूबर को बंद हो चुके हेमकुंड साहिब के कपाट, गुरुद्वारा प्रबंधन ने किया निरीक्षण। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, गुलमर्ग में चारों तरफ बर्फ। गांधरबल जिले के सोनमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी, पूरा इलाका बर्फ से ढका। बिहार में निकाय चुनाव दिसंबर तक होने की संभावना, हाईकोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक होंगे चुनाव के नियम। झारखंड के गढ़वा जिले में बूढ़ा पहाड़ से 51 आईईडी बम बरामद, मंगलवार को मिले थे 22 आईईडी बम, दो हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर वायर, कॉपर वायर, बैटरी, जेलेटिन बरामद, पूरे इलाके की गई घेराबंदी। ओम प्रकाश राजभर की सावधान यात्रा गाजीपुर में, कार्यकर्ताओं से किया हक की लड़ाई के लिए एकजुट होने का आह्वान। झांसी के प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने की समीक्षा बैठक, कानून व्यवस्था से लेकर फसल की बर्बादी तक होगा विचार। पराली जलाने मामलों में नहीं आई कमी, आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट का खुलासा। अमृतसर से लेकर भटिंडा तक कई जगह जली है पराली, दिल्ली में हवा में फैल रहा है प्रदूषण, जल्दी पराली का धुआं आएगा दिल्ली, करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी नहीं आई जागरूकता। किसानों ने किया दावा सरकार नहीं कर रही है मदद, हमारे पास नहीं है कोई चारा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रख रहा है नजर लेकिन सरकारी कवायद बेनतीजा। मुजफ्फरनगर में 5 लोगों ने की हिंदू धर्म में वापसी, शुद्धि यज्ञ के बाद हिंदू बने। तिरुमला में फिलहाल वीआईपी दर्शन बंद, दिवाली के मद्देनजर लिया गया फैसला। लखनऊ में गाय के गोबर से बन रहे दिए, अयोध्या में होंगे इस्तेमाल। श्योपुर में एमपी फार्म गेट ऐप के कार्यक्रम में बवाल, कार्यक्रम के बीच किसान नेता ने आलोचना की तो मन छोड़कर चल गए भाजपा नेता। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद का आरोप, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पीएफआई को दे रहे हैं संरक्षण। दिल्ली में बांग्लादेशी युवा प्रतिनिधिमंडल का स्वागत, युवा मामले और खेल मंत्रालय की देखरेख में भारत और बांग्लादेश के कलाकारों का शानदार प्रदर्शन। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कराया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक रहे मौजूद। बगाई गांव में 3 दिवसीय कार्यक्रम में आए कानून मंत्री किरण रिजिजू, बोले कांग्रेस अब दिशाहीन पार्टी। पटना में बढ़ रहे डेंगू के मामले, केंद्रीय टीम ने दौरा करते देखे हालात। रायगढ़ में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 3 की मौत। शाहजहांपुर में घरों में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, आतिशबाजी का बड़ा जखीरा और बारूद बरामद। कैथल में 2 लाख रुपए रिश्वत लेते बिजली विभाग के एसडीओ गिरफ्तार, बिजली लाइन शिफ्ट करने के लिए मांग रहे थे 8.5 लाख रुपए। बांदा में भीषण सड़क हादसे, महिला समेत 2 की मौत, बाइक सवार को ट्रक ने मारी थी टक्कर। चंद्रपुर में बाघ के हमले में 2 चरवाहों की दर्दनाक मौत, मवेशियों को चराने के लिए जंगल में गए थे चरवाहे।
झालावाड़ में ट्रेन की टक्कर से 12 साल के बच्चे की मौत, लोगों ने किया हंगामा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 1.5 लाख के लॉकेट की चोरी, ग्राहक बनकर आई थी महिलाएं, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, दुकानदार के घूमते ही पार कर गए 3 लॉकेट। कानपुर उन्नाव बॉर्डर पर मदरसे की है वानियत, मौलाना पर 7 साल की बच्ची से दरिंदगी का आरोप। उधम सिंह नगर में काशीपुर में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार आईएम की छात्र की मौत, जुलाई में ही लिया था दाखिला। बहादुरगढ़ में दिल्ली पुलिस का एएसआई गिरफ्तार, 2 लोगों के कत्ल का आरोप। महाराजगंज में नाबालिग के घर में मिली लाश, रेप के बाद हत्या की आशंका। पुणे के दौड़ रेलवे स्टेशन पर हंगामा, बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन में नहीं मिलने से जगह भड़क गए लोग। देवघर के सभा चौक के पास सरे शाम गोलीबारी, एक की मौत, कई लोग हुए घायल। अलीगढ़ की हार्डवेयर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का नुकसान। नोएडा में कुत्ते के हमले में बच्चे की मौत पर गुस्सा, सोसाइटी के लोगों ने निकाला मार्च।